गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। फ्रेंड्स, कल ज़्यादा काम हो गया था, मतलब कि तो इस कारण से मैं बीच में मतलब कि ज़्यादा आपको मैंने वीडियो नहीं बना के बता पाई, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इधर मैं करने जा रही हूँ गेहूँ साफ, गेहूँ की क्लीनिंग। तो दोनों टब में मैंने पानी भर लिया है, तो जो गेहूँ के अंदर कचड़ा और मिट्टी होती है ना, वो धुलने से बिल्कुल निकल जाएगी। क्योंकि जो नए वाले गेहूँ होते हैं ना सीजनिंग, तो उनको धुल कर ही खाना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट में मरोड़ और मतलब कि दस्त ये नहीं होते हैं, और गेहूँ भी था वो नुकसान नहीं करेगा गेहूँ का आटा। तो हमेशा जो नया गेहूँ होता है ना, उसको आपको ना धोकर भी खाना चाहिए, जिससे कि उसकी जो गर्माहट होती है, उसकी तासीर के अंदर जो गर्मी होती है ना, वो निकल जाए। तो प्लीज़, अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए शेयर करके मेरे वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब ना मतलब कि सुबह सुबह जब काम ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब कि लाइट चली गई थी, और उसके बाद ना ये दोबारा लाइट आती है 8 बजे के टाइम। तो मैंने कहा जल्दी से काम वाला निपटा के ये वाला काम फटाफट से कर लेती हूँ। तो इधर मैंने गेहूँ धुल लिए है, जॉइंट फैमिली है तो काफ़ी लोग रहते हैं मेरे फैमिली में, तो सब मतलब कि किचन सबका अलग अलग है, मतलब कि खाना पीना सबका अलग अलग होता है, बट घर एक ही है। तो अभी मेरे घर में और जो फैमिली मेम्बर है वो पानी भर रहे हैं, तो मैंने 2 टब इधर भर के रख लिए हैं, क्योंकि मैं इधर इनसे फटाफट से जल्दी जल्दी गेहूँ धुल लूँ। और इससे गेहूँ धुलने के लिए मैंने इधर छलनी का इस्तेमाल किया है। छलनी से क्या होता है ना, जो मिट्टी वगैरह होती है ना, सारी नीचे रह जाती है, छन छन के गेहूँ अपना था ना, वो मतलब कि दूसरे बर्तन में रख सकते हैं। तो इधर मैंने दूसरे वाले टब के अंदर गेहूँ रख लिए हैं। और फ्रेंड्स ना, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आप ही करा सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को, जिससे कि मेरे मतलब कि मुझे भी सपोर्ट मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं मतलब कि इतना हो गया। अब ये देख लीजिए, मैंने दूसरा मतरी हिस्से का गेहूं था ना, वो हमने दूसरे इस टब में डाल लिया है, और इसको भी फिर धुल लेंगे। इधर मेरी देवरानी आई है पाइप लगाने के लिए, तो मैंने बोला उससे पहले मुझे टब भर लेने दो, फिर आप ना पाइप लगा लेना। तो इतने में मैं छत के ऊपर आ गई हूँ अपने गेहूँ धुल कर सारे के सारे लेकर, और मैं इनको अब डाल दूँगी, पूरी ज़मीन में फैला दूँगी। तो इधर मैं तीसरा टब भी था, वो भी मैं उठा लाई हूँ छत के ऊपर, और ये गेहूँ में से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, वो निकल गया है। तो उसको मैं एक बार इधर से झाड़ देती हूँ, क्योंकि छत से मैं सुबह ही झाड़ गई थी। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी बीच बीच में कट मत कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में फ्रेंड्स, काम के साथ साथ। तो अब इसको पूरी छत के ऊपर मैं फैला दूंगी। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं मतलब कि धोते धोते मुझे गेहूँ मतलब कि 10 बज गए हैं मुझे, क्योंकि बीच में और भी काम करने लगी थी, जो बर्तन वगैरह थे उनको बीच में मतलब कि रह गए थे, उनको भी साफ़ कर लिया झाड़ कर। और उसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ, जिससे कि मैं इसको ना गेहूँ को चारों तरफ फैला दूँ, और ये कड़क धूप के अंदर अच्छे से सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज़ मेरे 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। तो गेहूँ को मैं फैला के फिर मिलूँगी मैं इनको शाम को बटोरने इकट्ठा करने आऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ, मिलूँगी शाम के टाइम, इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे, तो इसलिए मैं आपकी वीडियो छोटे छोटे ही बनाती हूँ, क्योंकि जिससे आप भी बोर नहीं होंगे और मेरा वीडियो भी मतलब कि जल्दी बन जाएगा। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, तब तक के लिए गुड बाय।